नमस्कार, सलाम अलैकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक की। इस सियासी उठापटक के बीच लगातार एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है अपने आप को असली शिवसेना बता रहा है, और एकनाथ शिंदे गुट ने अलग अलग विधायकों के बयान जारी करके ये बताया कि हम शिवसैनिक हैं और शिवसेना में ही। ये नौबत क्यों आई आप सभी जानते हैं। महाराष्ट्र में विरोध के स्वर काफी तेज हुए थे, उसके बाद में ये नौबत आई। अब जब एकनाथ शिंदे गुट अलग अलग सभी विधायकों से इस तरह से बयान दिलवा रहे हैं एकनाथ शिंदे, और अपने ट्विटर हैंडल से उनको ट्वीट कर रहे हैं, तो इसी बीच एक नाम ऐसा है जिसकी कहानी कुछ अलग है। यह नाम है पालघर के विधायक श्रीनिवास वनगा का। श्रीनिवास वनगा ने भी कल अपना स्पष्टीकरण बयान दिया और उसको एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया। लेकिन आज दिन में श्रीनिवास वनगा ने यह शिकायत की, उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है, पेज हैक कर लिया गया, और उस हैक पेज के ऊपर उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो दरअसल श्रीनिवास वनगा जो है, उनके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी दी जाए तो श्रीनिवास वनगा है वो, इनका नाता भाजपा से पहले से रहा हुआ है, लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं इनको धोखा दिया था और ये भागे थे शिवसेना के पास। तो जिस भाजपा ने इस श्रीनिवास वनगा को धोखा दिया था, उसी भाजपा के साथ जाने के लिए आज श्रीनिवास वनगा ने अभी तक की असली शिवसेना को धोखा दिया है। आप लोग को मालूम होगा कि सन 2018 में श्रीनिवास वनगा के पिता दिवंगत चिंतामन वनगा, जो कि भाजपा से 2015 से भाजपा के टिकट पर 2015 से सांसद से पालघर के, उनकी अचानक मौत हो गई और उसके बाद में नौबत आई उपचुनाव की। तब उपचुनाव में पालघर जिले की राजनीति में बड़ा और अहम स्थान रखने वाली बहुजन विकास आघाड़ी, जो कि 3 विधायकों समेत वसई विरार पर हावी है, उस बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर ने यह प्रस्ताव दिया था कि चूंकि चिंतामन वनगा गुजर गए हैं और कुछ ही समय बाद 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव होने थे, 1.25 साल बचा था, तो बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने प्रस्ताव रखा था कि हम उपचुनाव नहीं करवा कर श्रीनिवास वनगा को बिन विरोध निर्विरोध सांसद बना दें। तब भाजपा ने बहुजन विकास आघाड़ी के इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए ये कहा कि नहीं, हम श्रीनिवास वनगा को अपना सांसद नहीं बनाएंगे, हम यहां से दूसरा कैंडिडेट लाएंगे। हम ये लोकसभा की इलेक्शन ना हुए ऐसा चाहते थे। सब पार्टियों को बोला था कि 1 साल के लिए पैसा, लोगों का वक्त खराब करने के बजाय इलेक्शन ना लड़ी जाए, और यूनैनिमसली एक नाम देके ये इलेक्शन अवॉइड करो, लेकिन दुर्भाग्य से ये इलेक्शन। तब भाजपा ने वर्तमान सांसद राजेंद्र गावित, जो कि कांग्रेस में थे, उनको अपना कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस से वो भाजपा में आए, उनको अपना कैंडिडेट बनाया। उस समय श्रीनिवास वनगा को ये लगा कि शायद आज मेरे साथ मेरे पिता की उत्तराधिकार में मुझे कुछ वोट सांत्वना के तौर पर मिल सकते हैं और मैं पालघर का सांसद बन सकता हूं। तो ये सोचकर श्रीनिवास वनगा पूरे परिवार समेत मातोश्री गए, और वहां जाकर शिवसेना अध्यक्ष
उद्धव ठाकरे से विनती की। तब शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इनको अपनी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया। और रही बात बहुजन विकास आघाड़ी, जो ये चाहती नहीं थी कि चुनाव हो, मजबूरी में जब चुनाव हो रहे थे तो बहुजन विकास आघाड़ी ने अपने कैंडिडेट को उतारा और तब लोकसभा चुनाव में उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर राजेंद्र गावित विजय घोषित हुए, श्रीनिवास वनगा दूसरे स्थान पर रहे। तब 2018 में ये होने के बाद में 2019 आया। 2018 में बीजेपी और शिवसेना साथ साथ में जरूर थे लेकिन उपचुनाव में उन्होंने गठबंधन नहीं किया था। जब 2019 आया और 19 के लोकसभा चुनाव आए तब बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में आए और गठबंधन में आने के बाद शिवसेना के खाते में ये सीट गई पालघर की। तब वही राजेंद्र गावित जो कि पहले कांग्रेस से भाजपा में आए थे उनको टेक्निकल आधार पर ये सीट पालघर की सीट शिवसेना को खाते में जानी थी, इसके लिए राजेंद्र गावित को शिवसेना में प्रवेश कराया गया और उनको बहुजन विकास आघाड़ी के सामने कैंडिडेट बनाया गया। बहुजन विकास आघाड़ी का अपना कैंडिडेट था और चूंकि बीजेपी और शिवसेना की युति थी, गठबंधन था, इसके लिए गठबंधन का प्रत्याशी जो वर्तमान सांसद है राजेंद्र गावित वो थे। तब चिंतामन श्रीनिवास वनगा को ये कहा गया कि आप रुको, आपको हम विधानसभा का टिकट देंगे, आपको विधायक बनाएंगे। और लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद, करीब करीब 6 महीने बाद महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा चुनाव हुए 2019 में, और उसमें शिवसेना ने श्रीनिवास वनगा के साथ में किया हुआ वादा निभाया, श्रीनिवास वनगा को पालघर सीट से अधिकृत प्रत्याशी बनाया और श्रीनिवास वनगा उस सीट से जीत कर भी आए, विधानसभा में पहुंचे भी, पहली बार विधायक भी बने। तो इतना सब होने में शिवसेना श्रीनिवास वनगा के साथ खड़ी थी, लेकिन अभी इस वर्तमान दौर में श्रीनिवास वनगा ही एकनाथ शिंदे गुट के साथ हो गए और बागी हो चले। तुम्ही म्हणता ना भाजपचं रक्त भेसळयुक्त आहे, मग चिंतामण वनगा कोणत्या पक्षामध्ये होते सांगा, कोणाबद्दल बोललात तुम्ही? भेसळीचं रक्त, चिंतामण वनगाच्या रक्ताला भेसळीचं रक्त म्हणता आणि त्याच्याच पोराला घेऊन त्या ठिकाणी गावोगावी फिरता। मराठी जर का थोडीफार येत असेल तर आमच्यावरती तुम्ही जे काय आरोप करतात की शिवसेनेने बेईमानी केली, शिवसेनेने आमचा उमेदवार पळवला, तर या साऱ्या सुऱ्या आदिवासी श्रीनिवास वनगाचं मराठी तुम्ही ऐका आणि नसेल कळलं तर त्याच्यासाठी एक पुन्हा मराठी समजून घ्यायला शिक्षक लावा आणि त्याच्याकडनं ते समजून घ्या की बाबा हा काय बोलतोय, याला पळवलं आहे का स्वतःहून, त्रासून तुमचं दार तोडून आमच्याकडे आलेला आहे, हे बघा, हे विचार करा। अब वहां से गुवाहाटी से वो अपना व्हिडिओ जारी करके बोलते हम शिवसैनिक है, यह तो जनता तय करेगी या फिर इसमें जो भी नियम कायदे होंगे उसके आधार से तय होगा कि आखिर असली शिवसेना है कौन। दल बदल की जब राजनीति होती है तो उसमें कई पहलू छूट जाते हैं, वो पहलू आगे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल हम फिर से आते हैं श्रीनिवास वनगा के ऊपर। तो श्रीनिवास वनगा की इस पूरे जो मैंने आपको भी कहानी बताई, इस कहानी के बाद कहीं ना कहीं पालघर के लोग जो पालघर के सच्चे शिवसैनिक है या अभी भी उद्धव ठाकरे के समर्थक है उनमें रोष व्याप्त है और उसी का ये एक नतीजा कहा जा रहा है कि श्रीनिवास वनगा के फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया गया, उनके ही फेसबुक अकाउंट से उनका ही फोटो पे गद्दार लिखा गया और ऐसा पोस्ट किया गया। हालांकि श्रीनिवास वनगा ने इस पोस्ट की शिकायत की है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और हम भी इस तरह की पोस्ट को अपना समर्थन नहीं देते हैं, इस तरह की पोस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी जनता है, जनता का किया क्या जा सकता है। तो अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।